क्या आप दमे से परेशान हैं? सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही साथ क्या वजह है इसके पीछे? आपने अमूमन सुना होगा या अपने आसपास में देखा भी होगा, अपने घर में बड़ों के साथ या मोहल्ले पड़ोस में कहीं देखा होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि ये तो दमे का मरीज है, इसे दमे की दवाइयां चलेंगी। क्या होती है इसके पीछे की वजह? साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कि मेडिकल टर्म कोई है क्या इस बीमारी के लिए, इस दिक्कत के लिए? अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो घबराइए नहीं, मैं आपको आज इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये दिक्कत हमें क्यों होती है और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इससे कैसे उभर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कारण क्या होते हैं। तो सबसे मुख्य कारण जो आता है वो आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब आपके मन में सवाल आया होगा, प्रश्न उठ गया होगा कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि जो हमारे आसपास में होता है, हमारे वातावरण में होता है, उसकी वजह से भी हमें दिक्कत हो जाती है। जैसे सबसे पहले आता है एक्सपोजर टू डस्ट, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे वातावरण में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो डस्ट होती है, मिट्टी इत्यादि, ये जब हमारे सांस में जाती है, यानी जो हमारी सांस की नली है उसमें जाती है, तब हमें दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ इसी तरीके से एलर्जन, यानी कि जो एलर्जी होती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। कोल्ड, जब हमें जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये दमे की दिक्कत हो जाती है। अब एक्चुअल इसमें होता क्या है, जो हमारी सांस की नली होती है, जो आप एक सिंपली समझिए जो पाइप है, जब वो सिकुड़ जाएगा तो उसमें से पानी ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, पानी एक एंड से दूसरे एंड से जहां से उसे निकलना है वहां से नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से जो हमारी सांस की नली होती है, जब वो सुकड़ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, हमारे जो एयर सैक्स होते हैं, जहां से मतलब हमारी हवा का, गैसेस का आदान प्रदान होता है, जब वो ठीक से नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती है, तब हमें दमे की दिक्कत हो जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट फैक्टर आता है जेनेटिकल फैक्टर, यानी कि जेनेटिकल फैक्टर मतलब कि हमारे फोर फादर्स जो होते हैं, जैसे हमारे पापा, उनके पापा यानी कि दादा, फिर परदादा, तरदादा, तो इस तरीके से फोर फादर्स में चलती आती है। अगर हमारे जीन्स कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तब भी हो जाती है। साथ ही साथ जो लोग होते हैं हमारे, यानी कि बच्चों की बात करें तो 12 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं, साथ ही साथ जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, उनको सबसे ज्यादातर ये तकलीफ होती है, ये जेनेटिकल फैक्टर्स में आ जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट फैक्टर आता है वीजिंग, यानी कि विस्लिंग साउंड। जो एक इंसान जिसको ये दमे की दिक्कत हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है, जब उसके आसपास कोई लोग बैठे होते हैं तो उन्हें आवाज सुनाई देती है, सीटी सी बजती है उस इंसान के अंदर जिसको दमे की दिक्कत होती है, उसे कहते हैं विस्लिंग साउंड। तो ये कारण हो जाते हैं और हमारी सांस जो होती है, ब्रीथ, वो छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से हम दमे के शिकार हो जाते हैं या हमें दमे की दिक्कत हो जाती है। अब बात आती है कि मेडिकल टर्म में या साइंटिफिक नेम क्या है इस बीमारी का, यानी कि दमे को हम क्या कहते हैं। एक मेडिकल टर्म की अगर हम बात करें तो इसे अस्थमा के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान अस्थमे से जूझ रहा है, उसे अस्थमा हो गया है, उसे अस्थमा के अटैक्स आते हैं, जिसलिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां लिखी हैं या उसको ये थेरेपी बताई है, वो थेरेपी बताई है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला आपने देखा होगा जिनको अस्थमा हो जाता है, डॉक्टर उनको इनहेलर्स लिख देता है। कुछ इस तरीके के होते हैं इनहेलर्स, यानी कि जो हमें सांस लेने में काम आते हैं। इनहेलर्स भी कई तरीके के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का अस्थमा है, सीवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डोज होती है इसकी, इनहेलर्स की भी। अब ये इनहेलर्स 24 घंटे हमें अपने साथ रखना होता है, क्योंकि ये कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है अस्थमा, ये कब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता चलता, तो इसीलिए ये हमें आजीवन अपने पास रखना होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। यानी कि अगर हमें ये ऐसे पैनिक अटैक आते हैं अस्थमा के, सांस लेने में तकलीफ होती है, तुरंत हम पंप, इनहेलर से पंप कर लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्रोंकोडायलेटर्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन आती है। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे एयरवेज में, एयर सैक्स में,
तो उन पाइप्स को खोलने के लिए, ठीक से गैसेस का एक्सचेंज हो सके, उसके लिए डॉक्टर्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लिखते हैं, साथ ही साथ स्टेरॉइड्स भी लिख देते हैं। स्टेरॉइड्स इसलिए कि जिससे हम जो है बहुत जल्दी ठीक हो पाए, जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है, सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, जिससे पेन भी होने लगता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन इस अस्थमा में यूज की जाती है। आपने नाम सुने होंगे मार्केट के अंदर, जैसे ड्रग आती है फ्लुटिकासोन आती है, इसी तरीके से बुडेसोनाइड आती है, साथ ही साथ बैक्लोमेथासोन आपने नाम सुना होगा, और साइक्लोसोनाइड नाम आपने सुना होगा, और मोमेटासोन। इसी तरीके की और भी अन्य दवाइयां मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो हमारे पास मौजूद है, मतलब मार्केट में, वहां से आप इनको ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी दवाई को, यानी कि जो भी मेडिसिन होती है, चाहे वो इस अस्थमा की है या किसी अन्य बीमारी की है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। अगर आपका डॉक्टर फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है, तभी आपको दवा लेनी चाहिए। तो ये था हमारा पूरा इस वीडियो में अस्थमा के बारे में, कि अस्थमा क्या होता है, दमे को हम मेडिकल टर्म में, साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर आपको शरीर से संबंधित सभी बीमारियों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि ये बीमारी होती क्या है, क्या क्या कारण होते हैं उस बीमारी के होने के, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम आपको यहां पर पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।